सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बम बम महाराज नौटिया हुआ, मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। सर, जो हम बात करें, जो किसानों के आंदोलन जारी है और जिस प्रकार वह अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, आपका क्या कहना? देखिए, किसानों का जो आंदोलन है, इसके संबंध में हम लगातार कई दिनों से प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में अपनी बात रखते आ रहे हैं। लिहाजा यह जो किसानों का आंदोलन है, वो किसानों का आंदोलन तो है ही नहीं, ये आढ़तियों का, दलालों का और गैर किसानों का और भारत के विरुद्ध जो साजिशें विदेशी फंडिंग का, विदेशी शक्तियों का, विदेशी तत्वों का है, जारी है, उनका ये आंदोलन है। क्योंकि यदि किसानों का आंदोलन होता, हम लोग भी बहुत सारे एजिटेशन करते आते आ रहे हैं, आज नहीं 30 साल से करते आ रहे हैं, तो हर आंदोलन में हम लोग भी सभी मांगों को सिरे से खारिज नहीं करते या सभी मांगों के ऊपर में जोर नहीं डालते। प्रबंधक से, मैनेजमेंट से, जिसके खिलाफ हम आंदोलन करते हैं, उनके साथ हमारी निगोशिएशन होती है, बातचीत होती है और हम लोग ऊपर नीचे करके अपनी मांगों को पूरा करके आंदोलन को ख़त्म करते हैं। अगर ये वास्तव में किसान होते और किसान की मांगें होती, तो निस्संदेह यह मांग, जैसे सरकार शुरुआत से ही इन लोगों से बातचीत कर रहा है और इनसे सुझाव मांग रहा है, किसानों के हित में इस कानून के साथ कोई आपके पास सुझाव है तो वो सुझाव आप दीजिए और उस सुझाव के अकॉर्डिंग हम निर्णय लेंगे, हम आपकी बात मानेंगे। तो सरकार तो इनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, सरकार तो इनके साथ इनके आंदोलन के ऊपर में सही बर्ताव कर रहा है। हालांकि सरकार के पास पावर है शक्ति बरतने का, शक्ति बरतेगा तो 2 मिनट भाग जाएंगे, लेकिन सरकार देश को, समाज को और विश्व को और किसी भी व्यक्ति को यह संवाद नहीं देना चाहता है जो सरकार आई एकाएक शक्ति कर गया है। सर, जिस तरह आपकी एक पार्टी है, जैसे हम बात करें सरकार या जनता, ये जैसे आंदोलनकारी है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह बार बार हमारे देश में ये आंदोलन चलते हैं, जैसे अभी किसान का चल रहा है, उससे पहले सीए बिल को लेके जो हुआ था, दरअसल में हमारा सीधा और साफ दृष्टिकोण है अटल जनशक्ति पार्टी का भी और मेरा भी, खास करके जो मानना है वह साफ और स्पष्ट यह है कि कोई भी आंदोलन सरकार के विरुद्ध होता है, किया जाता है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। किंतु आंदोलन का यह मकसद नहीं होना चाहिए कभी भी, जो आंदोलन की आड़ में हम जनता को, देश को, राष्ट्र के संपत्तियों को नुकसान दें, देश के उत्पादन को प्रभावित करें, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रभावित करें और जनोपयोगी सेवाओं को बाधित करें और देश को पीछे धकेल दें, ये मकसद कभी नहीं आंदोलन का होना चाहिए। आंदोलनकारी का मकसद जरूर होना चाहिए, अपनी मांग मानेंगे, लेकिन वह मांग जो जायज मांग हो। अब सवाल ये उठता है, ये जो आंदोलनकारी है और ये इसलिए नजायज मांग को लेकर सड़क पर बैठा है, चूँकि शाहीन बाग में इनको सरकार ने किसी भी कारणवश और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी कारणवश इनको सख्ती से हटाया नहीं, इनको कानून का पाठ नहीं पढ़ाया, इनको राजधर्म का पाठ नहीं पढ़ाया, इनको देश की स्थिति को, देश की नुकसान नहीं देने की परिस्थिति को इनके सामने नहीं आने दिया, इन पर सख्ती नहीं किया। इसका परिणाम में ये जो है ना, यहाँ जो शाहीन बाग 2 कर रहा है, इसी का परिणाम है। अगर शाहीन बाग में इसको रोक दिया गया होता तो निस्संदेह न दिल्ली जलती, न दिल्ली में दंगा होता। चूँकि मैं एक बात और आपको कह देना चाहता हूँ, मेरे ध्यान में आ गया, यही हाथरस की कहानी को मैं इसमें जोड़ता हूँ, चूँकि ये वही व्यक्ति है जो व्यक्ति जब से संजय सिंह आम आदमी पार्टी का नेता कहते हैं, नेता जो टिकट ब्लिक किया है वहाँ से नेता बना है, जो संजय सिंह जब से दिल्ली से यूपी में कुछ किया, हाथरस कांड में तो इसने यूपी को बिल्कुल ही जला देने की कोशिश कर दिया। किंतु कहते हैं ये देवभूमि भारत है, धर्मभूमि भारत है, यहाँ देवता और धर्म का जो पावर है वो कहीं ना कहीं जाज्वलता है, प्रज्वलित है, जिसके दम पर इन
दंगाइयों का सारा कलेख खुल गया, कांग्रेस पार्टी सहित सभी का भेद खुल गया। परिणाम क्या हुआ, ये लोग वहाँ से भागे। अब वहाँ से भागे तब फिर दिल्ली को देश को दहलाने के लिए इन लोगों के मन में फितूर चलते रहता है, फितूर चलते चलते ये लोग ये किसान आंदोलन को लेके आ गए हैं। और दरअसल में ये लोग पैसे का यार है, इनको पैसे देकर इनको इनसे इनको कुछ भी बुलवा लीजिए। अरविंद केजरीवाल का एक नहीं अनेक बदला हुआ गिरगिट का रूप आपको मिल जाएगा, कांग्रेस का एक नहीं अनेक बदला हुआ गिरगिट का रूप मिल जाएगा। और ये केजरीवाल तो इस कानून को पास भी कर दिया है दिल्ली में, लेकिन फिर ये यहाँ पर बैठ के जो गिरगिटी आंसू दिखा रहा, कारण ये नहीं है, कारण ये है इसको देश को जलाने का ठेका मिला है, विदेशों से इसको बढ़िया पैसा मिल जाता है, सऊदी अरब से इनको पैसा मिल जाता है, पाकिस्तान से इसको पैसे मिल जाते हैं, और इस वजह से इनका ठेका है देश को जलाने का, दिल्ली को जलाने का। और ये बहुत दिन हो गए फरवरी का कांड, अब ये लास्ट में है 2020, तो कुछ ना कुछ खून तो उनको पीना है, तो खून पीने के लिए लोग कर्तृत्व है, ये सोचते हैं कहीं ना कहीं ऐसे माहौल बने जो फिर से दंगा बढ़ के 100-200 हिंदुओं को काट दें और फिर मुसलमानों को पीड़ित बता दें, इनकी ये प्लानिंग चल रही है। अच्छा बम्बम महाराज जी, मैं लास्ट में क्वेश्चन करूंगा, आपका और आपकी पार्टी का सरकार को लेके या जो हमारी आम जनता है उसको लेके क्या मैसेज है, क्या संदेश है, या कोई राय आपकी ऐसी है जिससे कि इस तरह के आंदोलन ना हो? देखिए, इस संबंध में सरकार को मैं और जनता को और इस आंदोलनकारियों को तीनों को साफ और स्पष्ट संदेश भेज चुका हूँ। मैं आज भी अपनी बात को दोहराता हूँ कि अटल जनशक्ति पार्टी और मैं बम्बम महाराज नौटिया का साफ और स्पष्ट मानना है और ध्येय है कि हम इस आंदोलन को जड़ समेत सही तरीके से सद्भावपूर्ण माहौल में और बढ़िया तरीके से ख़त्म करवा सकते हैं, बशर्ते सरकार इस बात पर, हमारी बात पर, हमारी मैसेज पर ध्यान दे, गौर करे। चूँकि सरकार में हर प्रकार की शक्तियाँ तो हैं, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं अपनी बात को, अपनी पक्ष को, अपनी सही बात को, अपने देश के प्रति किए गए सही काम को लोगों के बीच रखने में ये नाकामयाब सरकार है। करता ये सही है, सब कुछ सही करता है, लेकिन उसी बात को ये पब्लिक के बीच में ले जाने में, यानी कि जो जनता असफल रहा है, जनता के बीच में सही मैसेज नहीं जा पाता। हाँ, सही मैसेज जाने में ये सरकार अक्षम रहा है। इसलिए मैं इन सरकार से कहता हूँ, आप आज 12 से 13 दिन टाइम निकाल दिए, देश का काफ़ी इस आंदोलन ने नुकसान कर दिया है, इससे विदेशों में भी हमारा मैसेज गलत गया है, इस आंदोलन की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अपनी टिप्पणी कर दी है, कनाडा का प्रधानमंत्री तो खुद इसको समर्थन दे ही रहा है धन बल, जन बल सबसे, उसके बाद ब्रिटेन का कुछ भारत विरोधी सांसद है वो भी इसको समर्थन दे रहा है, जो पीछे से इसको पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा जब तक मिलता रहेगा ये हटेगा नहीं वहाँ से, इसको हटाने के लिए मेरी सोच, मेरी विचारधारा से ये यहाँ हटेंगे भी और निरुत्तर भी होंगे और हम इसे हटाने में कामयाब भी होंगे। सर, जिस तरह आपने कहा मेरी सोच, मेरी विचारधारा से ये हट जाएगा, आखिर उसके लिए सरकार को आपसे मिलना पड़ेगा आप, या फिर आप कोई लेटर के द्वारा मैसेज सरकार को दे? सरकार को हमसे मिलना नहीं पड़ेगा, सरकार के पास तो मैसेज दे ही रहे हैं, हम तो सरकार को कह रहे हैं कि आप हमारी सेवा लो, आपके पास में वो दूरदर्शिता नहीं है, आप बहुत अच्छे काम देश के लिए कर रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके पास वो दूरदर्शिता की कहीं ना कहीं बिल्कुल ही कमी है, जिस दूरदर्शिता की जरूरत देश को है, समाज को है, और आपके किए गए काम को भी है। तो वो सेवा कैसे ली जाए आपसे? वो सेवा जब वो मुझे संपर्क करेंगे, मैं अपना मैसेज पर मैसेज भेज रहा हूँ, सोशल मीडिया में दे रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है सरकार तक हमारी बात नहीं पहुँच रही है, हमारी बात पहुँचती जरूर है, वो अगर हमारी सेवा लेंगे तो हम हर हाल में और अच्छी प्रकार से इस संकट से, इस हट आंदोलन से देश को भी निजात करेंगे, सरकार को भी पारित करेंगे, और जो ये लोग गलत तरीके से मांग पर अड़े हुए हैं उस मांग को भी सही दिशा देंगे, और जो किसान के हित में इससे जो कानून बना है उससे भी कोई बेहतर चीज होगी वो लाके देंगे। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।